आज का दिन बहुत ही सुहाना है। सब लोग अपने काम में बिजी है, मगर ये क्या हमारे दोस्त फंडू बॉय को क्या हुआ? चलिए देखते हैं हमारे दोस्त फंडू बॉय आज क्या कर रहा है। हेलो हेलो रोहन, अरे दोस्त मैं फंडू बॉय बोल रहा हूँ यार, तेरी एक हेल्प चाहिए थी भाई। मैं अपना खुद का घर ले रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है और पैसे जमा किए, मगर बस उस पैसों में 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं यार। तू अगर मेरी मदद कर देगा तो मेरा खुद का घर हो जाएगा। मैं तुम्हारे पैसे 2 महीने में लौटा दूंगा दोस्त। अरे दोस्त बस इतनी सी बात यार, तू थोड़ा लेट हो गया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नेक्स्ट मंथ बर्थडे प्लानिंग किया है और मैं उसे प्रॉमिस भी कर चुका हूँ यार, अब उसे मना नहीं कर सकता। तू पहले बताता तो मैं जरूर कुछ करता। सॉरी यार। यार तू मेरा बचपन का दोस्त है यार, तेरी हर एक प्रॉब्लम में मैंने तेरी मदद की है। तुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़ी मैंने आधी रात को भी तेरी मदद की है दोस्त। मैंने अपनी सेविंग्स के फिक्स डिपॉजिट तोड़कर भी तेरी मदद की है यार, और कभी भी पैसे तुझसे वापस भी नहीं मांगे। और आज जब मुझे तेरी जरूरत है तो तुझे तेरी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है दोस्त। कोई बात नहीं दोस्त, मैंने भी अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया है कि उन्हें उनका खुद का घर दिलवा कर रहूंगा। कोई बात नहीं यार, तू मेरा बचपन का दोस्त है इसलिए तुझसे मदद मांग ली। कोई बात नहीं यार, थैंक्स। अरे फंडू बॉय क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? अरे कैसे हो चंद्रा, आओ बैठो। कुछ नहीं यार, बस ठीक हूँ मैं। देख दोस्त, भले ही तेरी मेरी दोस्ती को सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ ही लेता हूँ। और मेरी शैतानी खोपड़ी ये कह रही है कि तू बहुत ही परेशान है। चल अब फुटेज खाना बंद कर और सीधे सीधे बता कि क्या बात है। अरे दोस्त तू बता तो सही, तू मुझ पे भरोसा कर सकता है, रिलैक्स यार। अरे दोस्त तुझे तो पता है मैंने अपनी मम्मी के लिए उनका ड्रीम हाउस खरीदने के लिए कितनी मेहनत की है। मैंने दिन रात एक करके पैसे जमा किए हैं और अभी 2 दिन के बाद बिल्डर को पेमेंट करनी है, मगर प्रॉब्लम ये है कि उसमें 1 लाख रुपए कम है। अगर दोस्त मैंने 2 दिन के बाद पेमेंट नहीं की तो वो घर कहीं और खरीद लेगा और मेरी मम्मी का ड्रीम हाउस चला जाएगा यार। मैंने अपने सारे बचपन के दोस्त और बेस्ट फ्रेंड से मदद मांग ली, मगर सब ने इनकार कर दिया। वो दोस्त जिनकी मदद करने के लिए मैंने अपनी सेविंग्स तक तोड़ दी थी, यहाँ तक कि मेरी खुद की गर्लफ्रेंड ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। एटलीस्ट मुझे लगता था कि वो तो मुझे समझेगी, कहने के लिए तो सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मगर आज जब मुझे उनकी जरूरत है तो कोई साथ नहीं है दोस्त। अरे मेरे दोस्त फंडू बॉय उदास मत हो यार, अभी मैं जिंदा हूँ। तुझे सिर्फ 1 लाख रुपए की जरूरत है ना, चल मैं देता हूँ, तू टेंशन मत ले यार। अरे मगर चंद्रा तू भी तो अपना घर खरीदने के लिए पैसा जमा कर रहा है, तेरा भी तो सपना है कि तेरा खुद का घर हो, और तूने भी अपने मम्मी पापा से प्रॉमिस किया है दोस्त। अरे दोस्त चिल यार, मैं 1 साल बाद घर खरीद लूंगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें? और मेरी मम्मी और भी ज्यादा खुश होगी ये देखकर कि उसके दूसरे बेटे ने अपनी मेहनत से खुद का घर खरीदा। चल अब बातें बनाना बंद कर और ये बता कि तुझे पैसे कैसे दूं, चेक दूं या कैश? मगर दोस्त तुम्हें गारंटी के तौर पे मैं क्या दूं? मेरा मतलब है कि एग्रीमेंट वगैरह साइन करना पड़ेगा ना? हाँ चल एग्रीमेंट पे लिख कि तू कभी भी उदास नहीं होगा, और लाइफ में तुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो किसी और को नहीं अपने भाई चंद्रा को बताएगा, ठीक है ना? चल चल साइन कर अभी। अरे पागल मुझे कोई गारंटी नहीं चाहिए, ना तो कोई एग्रीमेंट साइन करना है मुझे, तेरी दोस्ती ही मेरे लिए काफी है यार। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए खुद का घर होना कितना इम्पोर्टेंट होता है वो मुझे अच्छी तरह से पता है दोस्त, ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। आज तू जिस हालत में है मैं भी ऐसी हालत से गुजर चुका हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ यार। चल आज तेरे सपनों का घर खरीदते हैं और मम्मी पापा को सरप्राइज करते हैं, और सुन उनके सामने ऐसे रोतलो शकल लेके मत जाना, और तू पैसे लौटाने की चिंता मत कर यार, तेरे पास जब भी पैसे आए तब तू दे देना, कोई टेंशन मत रखना। थैंक्स दोस्त, आज तेरी वजह से मैं अपने खुद के घर में रह रहा हूँ, आज जो मेरी मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी है वो तेरी वजह से है दोस्त। अरे फंडू बॉय एक भाई दूसरे भाई को कभी भी थैंक्स नहीं बोलता, अब बड़ी बड़ी बातें बनाना बंद कर और जल्दी से मुझे एक पार्टी दे, आज के दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, चल फिर सेलिब्रेट करते हैं यार। हेलो दोस्तों मेरा नाम है फंडू बॉय, आप सबके भी दोस्त तो बहुत होंगे, मगर सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय पे काम आए, और सच्चा प्यार वही होता है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपका साथ दे। सिर्फ बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट बड़ी नाम देने से कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाता, साथ में पार्टी करना, साथ में घूमना, साथ में सेल्फी क्लिक करने वाला हर कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता।
मगर एक फोन करने पे आप मुसीबत में हो ये सुनकर अपना सब कुछ काम छोड़ के आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ खड़ा रहे वो है आपका सच्चा दोस्त। जो कभी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे, ऐसा दोस्त जिसे भले ही आपकी बर्थडे याद ना रहे मगर जब उसे पता चले कि आप मुसीबत में हो तो अपना सारा काम छोड़ के सामने से आपकी मदद करने के लिए आए और बिना कहे आपकी मदद करे, वो है आपका सच्चा दोस्त। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे दोस्त है तो हमें कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइए। मैं भी अपने आप को लकी समझता हूँ क्योंकि मेरे पास चंद्रा जैसा दोस्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें ये फील करवाइए कि वो आपकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपके अच्छे दोस्त बने और आपकी मुसीबतों में आपकी मदद करें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें अपना दोस्त बनाइए ताकि हम हर हफ्ते आपसे मिल सके। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।